हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट होता क्या है, जो कि हमारे डायल सेटिंग एंड कॉन्टैक्ट सेटिंग में होता है। यहाँ पर जो है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के जानकारी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड जानते हैं कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट मतलब किसी चीज़ को कहीं से लाना और एक्सपोर्ट मतलब कहीं पर भेजना। पहले जानते हैं कि एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट होता क्या है। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज का। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, ओके किया, तो मेरे जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स कॉपी हो जाएंगे, एक फाइल में मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स सेव हो जाएंगे। और एक नीचे ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड वन। जैसे कि मेरा पास दो सिम है और एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड वन पर अगर मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो यहाँ पर बता रहा है सिम कार्ड कैन स्टोर 230 कॉन्टैक्ट्स। अगर सिर्फ फोन स्टोरेज में है या फिर सिम कार्ड टू में है, तो यहाँ से अगर एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड वन किया तो जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स से सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट में मेरे यहाँ पर सिम कार्ड में मैक्सिमम 250 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उतना स्टोर कर पाता है सिम कार्ड, तो उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट वो सेव नहीं कर सकता। सेकंड हम जानते हैं कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज इस ऑप्शन से होता क्या है, हमारे स्टोरेज में एसडी कार्ड में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होते हैं एक फाइल में, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जाता है। चलिए मैं फाइल में ले जाकर दिखा देता हूँ कि वो कॉन्टैक्ट रहता क्या है, कैसे वो कॉन्टैक्ट्स कैसे सेव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं फाइल में आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट्स एंड डायलर पर क्लिक करूँगा, तो मेरे जितने भी 5600 कॉन्टैक्ट हैं मेरे मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ये फिर से कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पर जो ऑप्शन है सेकंड इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड वन, अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सिम कार्ड वन में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट होते हैं होंगे, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट फिर से कॉपी हो जाएंगे और हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड टू पर अगर क्लिक किया, तो सिम कार्ड टू में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉपी हो जाएंगे। और तो यही है इंपोर्ट का मतलब, किसी भी कॉन्टैक्ट सारे जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सारे को मोबाइल फ़ोन में लाना, और एक्सपोर्ट करने का मतलब उन सारे कॉन्टैक्ट्स को कहीं पर भेजना। और यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है शेयर कॉन्टैक्ट्स का, इस पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।